सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। पाकिस्तान की सेना की आलोचना करने के लिए पूरे विश्व में फेमस पाकिस्तानी पत्रकार और कार्यकर्ता का कल अपहरण कर लिया गया। इस अपहरण के लिए खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार बताए जाने के बाद कुछ घंटों में वह घर वापस लौट आई। दरअसल गुल बुखारी नाम की महिला पत्रकार कल रात करीब 11 बजे अपने कार्यक्रम के लिए टीवी चैनल के ऑफिस जा रही थी। उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने लाहौर कैंट के शेरपुर पुल के पास से उनका अपहरण कर लिया। वक्त टीवी के कैब चालक ने पुलिस को बताया कि एक डबल केबिन वाहन से दो लोग उतरे और गुल को अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। उन्होंने बताया कि उनके मना करने पर दोनों ने उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया और भाग गए। अपहरण करने वालों ने चालक से कुछ नहीं कहा। बाद में गुल के परिवार ने स्थानीय थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि उनकी टीम गुल का बयान दर्ज करने के लिए उनके घर गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हम सुबह उनका बयान दर्ज करने फिर जाएंगे। ट्विटर पर तीखा जवाब देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने घटना पर आश्चर्य जताया। उन्होंने लिखा, गुल बुखारी के अपहरण की खबर बहुत परेशान करने वाली है। यह बहुत क्रूर नीच दर्जे की जाति है। बेहद दुखद दिन। जाहिर है पाक के लिए मामला बेहद पेचीदा है कि गायब होने के बाद बुखारी अचानक वापस कैसे आ गई। रोशनी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।